सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले। तराई में आयुष्मान कार्ड से निशुल्क होगा कैंसर का इलाज, विभोर। लखनऊ के चिकित्सक देंगे ओपीडी सेवा। बहराइच, भारत नेपाल सीमा से सटे तराई के जिले बहराइच में अब कैंसर का इलाज कराने के लिए महानगरों की भागदौड़ करने से निजात मिलेगी। आयुष्मान कार्ड से ऐसे मरीजों का निःशुल्क इलाज भी होगा। लखनऊ के वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा माह के पहले व तीसरे रविवार को ओपीडी की जाएगी। कैंसर से संबंधित मरीजों की जांच से लेकर उनका समुचित इलाज किया जाएगा। शहर के एक अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में इस बात की जानकारी दी गई। कैंसर का इलाज कराने के लिए दिल्ली, मुंबई समेत अन्य कई महानगरों की ओर जाने को विवश होते थे, लेकिन अब कैंसर का इलाज जिले में भी संभव होगा। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से एम्स व डीएनबी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की डिग्री हासिल किए कैंसर सर्जन डॉ विभोर महेंद्रू अब शहर के एक अस्पताल में अपनी ओपीडी सेवाएं देंगे। डॉ महेंद्रू ने बताया कि कैंसर किसी कोशिका के असामान्य तरीके से बढ़ने की बीमारी है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर हमारे शरीर की कोशिकाएं नियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं और विभाजित होती हैं। जब सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है या कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं, तो वे मर जाती हैं और उनकी जगह स्वस्थ कोशिकाएं ले लेती हैं। कैंसर कोशिकाएं स्वस्थ कोशिकाओं वाले नियमों का पालन नहीं करती हैं। उन्होंने बताया कि कैंसर शरीर की अपनी ही कोशिकाओं से विकसित होता है। समय से इलाज मिलने से कैंसर मरीजों के ठीक होने की संभावना भी रहती है। आयुष्मान कार्ड धारक कैंसर रोगियों को निःशुल्क ऑपरेशन, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी व दवा की सुविधा निःशुल्क मिलेगी। पहले इन सुविधाओं के लिए उन्हें बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है। ज्यादा लेवल में ज्यादा संख्या में अगर मरीज आ रहे हैं, कीमोथेरेपी हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गया और कैंसर की पूरी सर्जरी यहाँ पर होंगी कि कुछ सर्जरी के लिए आपको आगे लेकर आप यहाँ बहराइच के हॉस्पिटल में कुछ इलाज शुरू कर रहे हैं, बहराइच में क्या सुविधाएं मिलेंगी और बहराइच के मरीजों को कैंसर को लेकर क्या कुछ संदेश आप देंगे? तो यहाँ पे जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ आज से हम लोग ने बहराइच में कैंसर की सर्जरी हर प्रकार की और कीमोथेरेपी की व्यवस्था स्टार्ट कर दी है। भविष्य में उम्मीद है कि हम यहाँ पे रेडियोथेरेपी का भी जो व्यवस्था शुरू कर पाएंगे, जिससे कि कैंसर के मरीज को पूरी सुविधा जो कैंसर के इलाज की जरूरत होती है बहराइच जिले में ही मौजूद मिल जाए। और जो हमारी तरफ से मैसेज जाएगा वो ये है कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो यहाँ पे सारा का सारा इलाज निःशुल्क होगा। इसलिए कैंसर से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कैंसर में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये है कि लोग जो डर के मारे उसको इलाज कराने नहीं आते हैं, और अगर कोई समय से इलाज करा ले तो कैंसर पूरी तरह से क्योर हो सकता है। तो घबराए नहीं, डरे नहीं, सही समय पर सही इलाज कराने आप हमारे पास आइए, कैंसर का पूरा इलाज होगा और आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। गरीब पेशेंट जो होंगे उनके लिए क्या मैसेज? गरीब मैसेज उन पेशेंट के लिए है कि अगर आप आयुष्मान कार्ड धारक हैं तो आपका पूरा इलाज निःशुल्क होगा, और अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आपको जो है हमारी कुछ संस्थाएँ हैं और मुख्यमंत्री कोष है, इनके थ्रू हम आपके लिए जो है फंड्स का इंतजाम करा के आपका इलाज करेंगे। नहीं हो रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, वो कैंसर हो सकता है, जरूरी नहीं कैंसर है लेकिन उसका हो सकता है, और उसका फिर बायोप्सी होनी चाहिए। बायोप्सी की रिपोर्ट में अगर कैंसर नहीं आया बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल दवाइयों से लगे ठीक होने की गुंजाइश रहेगी, अगर कैंसर आता है तो उसका प्रॉपर कैंसर का इलाज किया जाएगा। बचाव के लिए तो यही है कि खुदा बना रहा हूँ, मैं अपने सजे पर अपने आप को यही बचाओ, और सबसे ईजी है लेकिन यही हम नहीं कर पाते, यही नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बताऊँ बॉडी हमारी जो होती है वो जैसे कैंसर क्या है, पहले कैंसर आपकी बॉडी का धरती हिस्सा है, उसकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड होती है, कभी आपको चोट लगी होती है आपकी जो है त्वचा छिल जाती है, उसमें क्या होता है इधर से वो ग्रो करता है, इधर से ग्रो करता है, इधर से ग्रो करता है, चारों तरफ से ग्रो करके उसको बॉडी कवर खुद ही कर देती है, और एक बार ये कवर हो जाता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आप अगर ये सोचो कि जैसे ये ग्रोथ जो कवर कर दी पहले ग्रोथ कर होती तो क्या होगा, वहाँ से गांठ बनी ग्रो करता जाएगा तो गांठ बड़ी होती जाएगी। तो बॉडी के ये ग्रोथ और ग्रोथ को रेगुलेट करने का एक सिस्टम है,
जब ये सिस्टम डिस्टर्ब होता है तब वो कैंसर होता है। जैसे ग्रोथ एक्सेसिव ग्रोथ हो गई, ग्रोथ वाला सिस्टम जो है ओवर एक्टिव हो गया, या ग्रोथ का कंट्रोल वाला सिस्टम अंडर एक्टिव हो गया, तो कैंसर बनेगा। जो लोग गुट्टा बाबू इन सब का सेवन करते हैं और जो लोग नहीं करते, उन लोगों को अगर हम कंपेयर करें तो 20:1 है कि अगर 100 में से इनके 20 लोगों को होगा इधर जो है 100 में से एक आदमी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 0 एक आदमी हो, वो एक आदमी कौन है, इसका बॉडी का अपना सिस्टम थोड़ा डिसबैलेंस है या बॉडी। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले।